नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी सीरीज का दूसरा वीडियो, जिसका टॉपिक है भारत की पर्वत श्रृंखलाएं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने भारत का भूगोल डिस्कस किया था। जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो आगे कंटिन्यू करिएगा, और जिन्हें नहीं देखा है एक बार हमारे चैनल में जाकर के उस वीडियो को जरूर देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हमने वहां पर डिस्कस करे थे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की पर्वत श्रृंखलाएं। भारत में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं और क्या उनकी प्रकृति है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, हिमालय पर्वत तंत्र मुख्य रूप से तीन समांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है। हिमालय पर्वतमाला बहुत बड़ी पर्वतमाला है, लेकिन इसका निर्माण जो हुआ है वो तीन श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से हुआ है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हिमालय पर्वत तंत्र पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। हिमालय पर्वत तंत्र पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में 2400 किलोमीटर में फैली हुई है। हिमालय पर्वत की यदि कुल लंबाई की बात करेंगे तो वो है लगभग कितनी, 2400 किलोमीटर। अगला पॉइंट है दोस्तों, हिमालय पर्वत पांच देशों की सीमाओं में फैला है, और ये देश हैं पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन। हिमालय पर्वतमाला जो कि सबसे बड़ी पर्वतमाला है, यह पांच देशों के अंदर आती है। नाम है उनके पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन। यह नाम याद रखिएगा दोस्तों देशों के। अगला पॉइंट है, हिमालय श्रेणी में 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद कौन सा है दोस्तों, सियाचिन हिमनद। और जो कहां पाया जाता है, हिमालय श्रेणी में पाया जाता है, जिसकी लंबाई है 72 किलोमीटर। अगला पॉइंट है दोस्तों, अरावली संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न डिस्कस हुआ था, यहां पर भी डिस्कस हो रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है। संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है अरावली, और यह राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। मुख्य रूप से फैलाव राजस्थान में है इसका, इसके अतिरिक्त गुजरात और दिल्ली भी इसमें आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अरावली का सर्वोच्च शिखर यानी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू जो कि सिरोही जिले में आता है, वहां पर अरावली की सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है गुरु शिखर, और इसकी लंबाई है 1722 से 1727 मीटर। अगला पॉइंट है दोस्तों, अरावली की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लंबी पर्वतमाला है, प्राचीनतम पर्वतमाला है, और यह राजस्थान के अतिरिक्त गुजरात और दिल्ली में भी फैली हुई है, और कुल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर। अगला पॉइंट है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सद्भावना शिखर, नाम याद रखिएगा ये, सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची जगह है, जिसकी कुल लंबाई 2467 फीट है। प्रश्न कई बार आ चुका है, इसलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है,
जिसकी लंबाई 1350 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है, उसका नाम है धूपगढ़ और कुल ऊंचाई है इसकी 1350 मीटर। अगला पॉइंट है दोस्तों, सतपुड़ा रेंज के मेकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम होता है। सतपुड़ा श्रेणी का जो मेकाल पर्वत है, वहां पर एक अमरकंटक नाम का पठार है जहां से नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, नीलगिरी। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। भारत के पश्चिम घाट पर स्थित पर्वतमाला है जिसका नाम है नीलगिरी पर्वतमाला। नीलगिरी भारत के एक राज्य तमिलनाडु का प्रमुख पर्यटक स्थल है। नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। आप कहीं घूमने जाने का विचार कर रहे हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेट्टा है। फिर से नाम याद कर बता रहा हूं दोस्तों, नाम थोड़ा सा फंबल करेगा इसलिए ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेट्टा है जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है इसलिए आप इसको बड़े अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नाम में कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए नाम वापस से दोहरा रहा हूं, नाम है डोड्डा बेट्टा और लंबाई है इसकी 2637 मीटर। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के भारत के पर्वतों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो कि आ सकते हैं, आते हैं और कई बार आपको किसी भी परीक्षाओं में मिलते हैं, सभी परीक्षाओं में ये बार बार हमसे पूछे जाते हैं। अगले वीडियो की जानकारी के लिए, अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट, और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद दोस्तों।